जब दोनों राज्यों की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसको। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गलत बजट भाषण पढ़ने के मामले ने विपक्ष को बैठे बैठाए बोलने का मुद्दा दे दिया। वहीं दूसरी ओर पीएम ने ग्रीन कॉरिडोर ईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को लेकर इस पर राजनीति जरूर हुई। कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कार्यक्रम में जुड़े थे, लेकिन सीएम ने इस मौके को भुनाते हुए जनता के सामने ही पीएम से ईआरसीबी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर डाली। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी ईआरसीपी को लेकर बड़ी बात कही। के बीच केन बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रकार इस प्रारूप को केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ साझा किया है। इस प्रस्ताव को नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने प्राथमिकता प्राप्त परियोजना के रूप में शामिल किया है। जब दोनों राज्यों की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाने पर जरूर विचार करेगी। पूर्वी राजस्थान में पीएम की सभा रखने का प्लान बीजेपी को कितना फायदा देगा, ये तो आगामी चुनावों में पता चलेगा। गौरतलब है कि मोदी के दौरे के जरिए भाजपा पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा वोटर्स को साध कर 39 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान के दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और करौली से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। पंजाब केसरी के लिए विशाल सूर्यकांत के साथ रौनक पारिक की रिपोर्ट।